गाइज वेलकम टू माय चैनल नेट्स के स्टडी चैनल। सो गाइज कल से आपको सिंप्लीफिकेशन का वीडियो मिलने लगेगा, ठीक है। मैंने थोड़ा फास्ट फास्ट कराया है, ठीक है। कुछ सिंपल सिंपल क्वेश्चन थे, इजी इजी क्वेश्चन थे, इसलिए मैंने थोड़ा फास्ट फास्ट समझाया। आई होप आपको समझ में आएगा, ठीक है। अगर नहीं आएगा तो आप क्या करना, उसको उसका जो स्पीड होता है आप देखना, 3 डॉट होंगे कोने में, वहां पे क्लिक करना, ठीक है। वहां पे क्वालिटी क्वालिटी भी होता है, ठीक है। वहां पे देखना स्पीड जो होता है ना, ठीक है, उसको थोड़ा कम कर लेना, इससे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैं थोड़ा फास्ट इसलिए गया क्योंकि 150 के आसपास क्वेश्चन है और उनको मेरे को जल्दी कराना है, ठीक है। उसके बाद मेरे को वॉल्यूम चैप्टर भी स्टार्ट करना है, सिंप्लीफिकेशन, फिर मिक्सचर एलिगेशन स्टार्ट करके ये बुक खत्म करना है, ठीक है। फिर उसके बाद मैं किरण की बुक में जाऊंगा, एलजेब्रा कराऊंगा, ठीक है, एलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, फिर ज्योमेट्री, इसका एडवांसमेंट स्टार्ट करना है मेरे को। इसलिए मेरे को ये बुक को जल्दी खत्म करने के लिए थोड़ा फास्ट फास्ट जाना पड़ रहा है मेरे को, क्योंकि बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप रिपीट करके देख लेना, ठीक है। बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, अभी तो ये स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग में इजी क्वेश्चन था तो बोल के मैं थोड़ा फास्ट गया, ठीक है। लेकिन क्या है, आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे तो डिफिकल्टी लेवल बढ़ते जाएगा, वहां पर मैं स्लो हो जाऊंगा, तो मुझे पता है जहाँ कहाँ स्लो होना है, कहाँ फास्ट होना है, तो इस हिसाब से मैं चल रहा हूँ, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आएगा, नहीं आए तो रिपीट करके देख लेना, ठीक है। और एक और बात गाइस, मैं यहाँ पे जीके के लिए कुछ बोलने आया हूँ, ठीक है। आज से मैं क्या करूँगा, आपको आपको धीरे धीरे थोड़ा जीके का नॉलेज देता जाऊँगा, ठीक है। अब नॉलेज कैसा दूंगा, ऐसा नहीं है कि कोई टॉपिक लेके मैं पढ़ाऊंगा, नहीं, ठीक है। 2 से 3 मिनट का वीडियो आएगा, ठीक है, उसमें मैं कोशिश करूंगा, ठीक है, कोई कोई भी मतलब एक एक वीडियो में कम से कम 2 से 3, 3 से 5 क्वेश्चन आपको मैं बताऊं, और उसी को क्या करूंगा, रिपीट, बार बार रिपीट करके आपको याद कराऊंगा। कहते हैं कि कोई चीज़ बार बार सुनने से, बोलने से क्या होता है, दिमाग में बैठ जाता है, ठीक है, मतलब लॉन्ग टाइम तक रह जाता है। तो इससे क्या होगा कि डेली अगर मैं 2-3 वीडियो डालूंगा तो आपकी इस हिसाब से बहुत सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि कोई भी मतलब क्वेश्चन मैं बोलूँ, मतलब वीडियो बना के डालूंगा, नहीं, जो एग्जाम में आते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होते हैं वही मैं डालूंगा, ठीक है, चाहे वो SSC का हो, रेलवे का हो, ठीक है, और अदर एग्जाम के जो होंगे उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन जरूर बनेंगे। मैं हर एक टॉप मतलब हर एक मतलब सब्जेक्ट का, चाहे वो मतलब ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, ठीक है, बायो हो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ठीक है, पॉलिटी, इकोनॉमी, जो भी है, ठीक है, कम से कम कोई भी मैं अगर सब्जेक्ट लूंगा तो उसका कम से कम एक वीडियो में 2-3 क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा और उसको बार बार रिपीट करूंगा। इससे क्या होगा ना, आप उस क्वेश्चन को बार बार सुनोगे, ठीक है, तो आपका वो क्या होगा, याद हो जाएगा। और जिनको वो वीडियो आता होगा, मतलब वो क्वेश्चन आते होंगे, वो सुनको क्या है, उनका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है, तो आप ही का बेनिफिट होगा, ठीक है। बस यही चीज मेरे को बोलना था, और कल से आपका सिंप्लीफिकेशन का वीडियो आ जाएगा, ठीक है, सुबह में एक आएगा और शाम को एक आएगा, ठीक है, फिर नेक्स्ट दिन और 2 वीडियोज आ जाएंगे। इससे क्या है ना, आपका सिंप्लीफिकेशन जल्दी से जल्दी खत्म होगा। तो मिलते हैं कल सिंप्लीफिकेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टाटा। और हाँ गाइस, अगर आपको मेरा एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं, ठीक है, और मतलब RS अग्रवाल जो मैं करा रहा हूँ अच्छे लग रहे हैं, ठीक है, अगर आप मेरे को सपोर्ट करना चाहते हो, अप्रिशिएट मेरे काम को अप्रिशिएट करना चाहते हो, तो वीडियो के नीचे देखना, थैंक्स करके कुछ एक बटन होगा, हॉट्स करके उसके नीचे डॉलर का साइन होगा, अब वो थैंक्स देके भी मेरे को मेरे काम को अप्रिशिएट कर सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं कल सिंप्लीफिकेशन वीडियो में, ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टाटा, गुड बाय।